नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 12th ऑफ मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने जो बाय सेल लेवल का स्किनर बनाया उसी का थ्रू में रेगुलर बाय सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स इनसाइड द वर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जीओएम स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये सब दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और तो इसका भी ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर ये वीडियो आप लोग सॉरी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और जो भी मैं नोटिफिकेशन नया वीडियो लोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बना है उसी का थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ इसका, कैसे स्क्रीनिंग करता है, हाउ टू स्क्रीन और हाउ टू इसमें क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। और इसका डाउनलोड करने का लिंक, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को उधर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक भी मिल जाएगा। और इसमें जो स्क्रीनिंग कैसे करना है क्या क्या है इस वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए, परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिए। और जो लोग आस्था डेट एंजल ब्रोकिंग और एलिस ब्लू और में ज्वाइन हो अपस्टॉक्स में ज्वाइन होने चाहता है तो उसका लिंक मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए मैंने इधर निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ, निफ्टी का डेली चार्ट। तो इसमें देखिए जो आज जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, एनी है तो जितना दिखा रहा है मैंने पहले दिखा देता हूँ उसके बाद ये जो कैंडल स्टिक जो फॉर्मेशन हुआ है ये बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है। ये ओपन हुआ था कुछ इसमें ओपनिंग हुआ था ओपन हुआ था 10,742 पे ये ओपन हुआ था, उसके बाद 10,545 में इसका हाई दिया था, सॉरी इसमें गलत हो रहा है। एनीवे तो मैंने इधर जो इसके ओपन होने के बाद ये ऊपर ही गया था, इसका जो आप लोग देख रहा है कि इधर जो इसका ओपनिंग है 10,334 में ये ओपन हुआ था, 10,334 इसमें ओपन होने के बाद इधर क्लोजिंग दिया है, हाई हुआ था 10,545 उसके बाद क्लोजिंग दिया है 458। तो ये अच्छा एक बुलिश कैंडल बना है लेकिन इसका अपर वीक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लॉन्ग अपर वीक है। लेकिन ये जो है इसका देख आप लोग देख सकते हैं इसका बॉडी जो है और ऑलमोस्ट 70% है और वीक है 30%। तो जो कैंडल मतलब ऊपर जाके जो अर्ली 30% रिटेस्ट होता है तो उसका बाद ये इसका ऊपर जाने फिर से ऊपर जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इसका तो हम इसमें हम लोग ये तो इसको तो कह नहीं जा सकता कि ये इट कैन नॉट बी सेड दैट इट हैज़ बीन रिवर्स्ड, बट एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर दिखा रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है, पॉजिटिव ट्रेंड इसका बना है। और इधर आप जाने के लिए इसको पहले इसका सपोर्ट मिले, पहला रेजिस्टेंस इसका मिलेगा, पहले जो सॉरी इधर पहला जो रेजिस्टेंस है ये 498 पे आप लोगों को पहले रेजिस्टेंस मिलेगा डेली चार्ट में, उसके बाद 562 में इसका मिलेगा, उसके बाद रेजिस्टेंस है 705 में, उसके बाद 806 में रेजिस्टेंस है। इसके बाद आप लोग को अभी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की मान के चलना पड़ेगा और ट्रेंड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ट्रेंड तो थोड़ा सा आप लोग समझ ही सकता है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, लेकिन हम लोग को राजी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मान के चलना पड़ेगा अभी। इसके बाद 915, इसके बाद ये 11,101 में इसका मेजर रेजिस्टेंस है।
नीचे के देखेंगे तो नीचे इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 10211 में, इसका मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद 10047 में रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका नीचे देखने के लिए मेरे को चार्ट को थोड़ा सा छोटा को छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। हम लोग को वीकली चार्ट में देखेंगे तो इसका जो इसके नीचे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 10100 में, इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है 10100 के आसपास। उसके बाद पीछे देखना पड़ेगा चार्ट को छोटा करके। इसके बाद ये 9931, उसके बाद 9895 तक आ सकता है। इसका डाउन ट्रेंड होने का पॉसिबिलिटी रहता है। वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में तो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन वीकली और मंथली चार्ट में ये डाउन में ही बहुत ही डाउन दिख रहा है। मंथली चार्ट में भी आप लोग को थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। ये ऑलरेडी जो पहले वाला जो मेजर रेजिस्टेंस था 10650 में, 10650 में इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके नीचे ब्रेक कर दिया था। उसके बाद ये जब इसका जो स्विंग हाई जो बना है, आप लोग देख सकते हैं 10394, ये आ गया था 10294 तक आ गया था। इसके बाद इसका जो स्विंग हाई है इसका 10147 में बनता है। इसके बाद ये पूरा नीचे नीचे एटलीस्ट इतना तक 9655 तक आने का पोटेंशियल इसका है। तो देखते हैं, हो सकता है ये हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए मतलब डेली चार्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, और हो सकता है ये थोड़ा सा पुल बैक हो रहा है। आगे जाने के क्या हो सकता है देखना पड़ेगा। और मैंने और वो क्यों हुआ है वो भी आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करूँगा। आप लोग मेरा पिछले वाला वीडियोस भी देख सकते हैं, कल का वीडियोस जो जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन PCRSQ इतना गिरा गिर चुका है, थोड़ा सा करेक्शन आने का पॉसिबिलिटी है। तो वही हो रहा है शायद मेरा ख्याल से कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है, पुल बैक हो रहा है। लेकिन इसका डाउन ट्रेंड जरूर इसका करेक्शन डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा करेक्शन बन रहा है। लेकिन डेली चार्ट में हम लोग डेली का बेसिस पे थोड़ा सा हायर साइड में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और इधर इधर बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी का जो कैंडल बना है ये थोड़ा सा मतलब बुलिश तो बना है, लेकिन इसका इधर इधर BR का पावर थोड़ा सा ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। और इधर रेजिस्टेंस है, पहले ये तो 26487 में तो क्लोजिंग दिया है, इसका पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। देखा 7785 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके बाद मतलब जो सपोर्ट जो बना बना था वही रेजिस्टेंस अभी बन चुका है। तो उसके बाद 27059, उसके बाद 27293, सॉरी ये 26785 था, उसके बाद 27073, उसके बाद 27293, उसके बाद 27522, उसके बाद 27670, उसके बाद ये 28000 तक जा सकता है। और नीचे इसका जो मेजर रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है 25770 या 750 में, उसके बाद ये इसका 25329 में। और भी देखने से के लिए थोड़ा सा चार्ट को वीकली करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना गिर चुका है। तो इसका और ये भी इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था सॉरी सपोर्ट था वो तोड़ दिया है। और ये भी इसका जो पहले वाला और भी जो नीचे वाला एक सपोर्ट था उसका जाने का पोटेंशियल रखता है। ये भी देखिए, इसे भी स्ट्रांग बुलिश कैंडल बन रहा है वीकली चार्ट में। और मंथली चार्ट में भी इसका लॉन्ग बुलिश कैंडल ही बना है। तो इसमें इस महीना भी लगता है कि इधर इसका जो पहले वाला जो सपोर्ट था 9800 या 9650 तक, इसका इधर आके वो बॉटम आउट लेगा। तो एनीवे, तो इसका नेक्स्ट
रेजिस्टेंस।